किसानी भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और यह फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी, प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है, मैं उनकी तड़प को प्रणाम करता हूं। और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब बहनों को, और कई बहनें 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। आज कृषि सखी के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाने हैं। हमारी वो बहनें जिनको ट्रेनिंग दी गई है किसानों को उनके काम में सहयोग करने के लिए, ऐसी 34,000 बहनें अभी ट्रेंड है, बाकी की और ट्रेनिंग होगी। एक तरफ किसान को वो अच्छी खेती करने में सहयोग करेंगी तो दूसरी तरफ उनकी आय भी बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों के कल्याण के लिए जारी रहेंगे। एक बार फिर मैं सभी किसानों की ओर से और लखपति दीदी और बहनों की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। ଆପଣମାନେ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିଥିଲେ ବାରାଣସୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରୋଡ୍ ଶୋ ବାଦୁ ଟିକ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି
दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन हुआ है। उनके इस काशी में मां गंगा के यशस्वी पुत्र का आप सभी काशीवासियों की ओर से, काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, उत्तर प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठतम सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से जुड़े हुए, देश भर के हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण और उपस्थित काशी के सभी बहन और भाइयों, आज काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के अंदर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का गौरव प्राप्त करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उन्हीं की काशी में आगमन हुआ है। बहनों और भाइयों, देश की आजादी के बाद 62 वर्ष के बाद यह अवसर पहली बार आया है जब देश के किसी राजनेता ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने कार्यों के माध्यम से देश के प्रत्येक तबके के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए अपनी लोकप्रियता के आधार पर लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त करके प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस अवसर पर मां गंगा के इस यशस्वी पुत्र का, जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है, जिनके नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ते हुए कार्य कर रही है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, काशीवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि अन्नदाता किसान 2014 में आजादी के बाद पहली बार देश की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बना था। सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, जो अन्य अनेक योजनाएं इस दौरान किसानों के जीवन में परिवर्तन करके उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम
हम सबको देखने को मिल रहे हैं। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।